आईएनएक्स मीडिया केस में करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। चिदंबरम को रिमांड पर भेजने से पहले कोर्ट में किसने क्या दलील दी? दलील नंबर एक, पहली गिरफ्तारी कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमन की हुई थी, जो अब जमानत पर हैं। मामले के अन्य आरोपी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी को भी जमानत मिल चुकी है, लेकिन अन्य मामले में वो जेल में हैं। दलील नंबर तीन, जमानत देने का एक नियम है और अदालत के सामने मुद्दा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है। दलील नंबर चार, सीबीआई ने जो कहा उसे अकाट्य सत्य के तौर पर नहीं लिया जा सकता। दलील नंबर पांच, सीबीआई की ओर से चिदंबरम से 12 सवाल पूछे गए, जिनमें 6 का जवाब पहले ही दे चुके हैं। दलील नंबर छह, टीम को नहीं पता क्या पूछना है, उनके पास कोई सवाल तैयार नहीं है। दलील नंबर सात, $5 मिलियन दिए जाने का आरोप है, लेकिन किसे दिया गया उसका नाम नहीं बताया गया। दलील नंबर आठ, चिदंबरम के साथ जो बर्ताव हुआ सही नहीं है। दलील नंबर नौ, जांच एजेंसी के पास सबूत थे तो पहले पूछताछ क्यों नहीं हुई। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि तुषार मेहता ने क्या कहा। घोटाले में चिदंबरम दूसरे लोगों के साथ आपराधिक साजिश रचने में शामिल थे। चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद गिरफ्तार किया गया। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें मनी ट्रेल से जुड़ी चीजों पर भी चिदंबरम को आमना सामना करना पड़ेगा। चिदंबरम ने पद का दुरुपयोग किया। किसी व्यक्ति का चुप रहना उसका अधिकार है, लेकिन सवालों को टालना गलत है। चिदंबरम ने जांच में सहयोग नहीं किया। आईएनएक्स मीडिया ने गलत तरीके से डील की है। मामले को लेकर कोर्ट में कई घंटे बहस हुई। दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।